समाज के पास रास्ते हैं, समाज उनको ठीक कर देगा, ये हमें गारंटी है, और आप इसमें पूरा सहयोग और मदद करेंगे, क्योंकि आप जो सवाल पूछने वाले हैं उनसे उनके पास जवाब नहीं है। आप उनसे पूछिए कि आपको पब्लिक पैसा देती है तो आप उस पैसे का क्या करते, कोई हिसाब नहीं देता, कभी भी कोई हिसाब नहीं देता। आप उनसे पूछिए कि जो लोग सपोर्ट में आते हैं, आप कहीं भी सपोर्ट को बेच आते हैं, इसका क्या मतलब है, आपको उसने सपोर्ट दिया था क्या? आपके सवाल इतने खतरनाक होने वाले हैं, हमारे सवाल इतने खतरनाक होने वाले हैं कि उनको या तो छोड़ के भागेंगे वो। गिरा हुआ समाज, गिराया गया समाज, अगर वो उठने की तमन्ना करता है, और अभी बरसों से और ज्यादा गिर रहा है कांशीराम जी के बाद, उठने की तमन्ना कर रहा है, इसमें क्या बात है? तो होना ही था, नेचुरल भी है ना, ये सारा का सारा इमर्ज है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही है। क्या लगता मान्यवर साहब के बाद समाज में कोई बदलाव कुछ ऐसा नहीं हुआ है या वहीं ठहरा हुआ है? हर चीज चेंजेबल है, परिवर्तन है, परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन तो होता रहेगा, पर एक जो परिवर्तन कांशीराम जी को अपेक्षित था वैसा परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। तो क्या वजह रही, कोई क्यों नहीं आया सामने निकल रहा? संघर्ष में कम तरह, संघर्ष में जो ताकत डेवलप होना चाहिए थी, एकजुट की ताकत, कॉपरेशन की ताकत, उसमें कमतरता रही। हम अपनी कमतरता को स्वीकार करते हैं, और जैसे उठना है वो अपनी कमतरता को नहीं स्वीकार करेगा, गिरे हुए का एहसास नहीं रहेगा, उठने की तमन्ना कहाँ से करेगा? इसमें दोषी कौन है? हम अपने आप को दोषी मानेंगे, इसको दोषी क्यों मानेंगे? दुश्मन का काम है दुश्मन ही करना, उसको गाली गलौज या बुरा भला कहने से बात नहीं होगी, जिसकी बिगड़ी है उसने ही अपनी बनानी चाहिए। सुधीर जी से क्वेश्चन है सर कि इस जो आज मीटिंग बुलाई है आपने, तमाम संगठनों के पदाधिकारी और संस्थापकों को बुलाया है, तो इसका मतलब क्लियर क्या समाज में आप मैसेज देना चाहते हैं? क्या कोई राष्ट्रीय लेवल पर कोई ऐसा अलायंस बन रहा है सारे संगठनों का, जो एक मंच पर खड़े होकर सारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो काम करेंगे? और इसको दरअसल आप देख रहे हैं बहुत जगह आप आते जाते हैं कि जो आदमी किसी भी तरह का समण समाज का संगठन बनाता है वो अपने समाज की बाउंड्री बनाता है, और वो अपने कार्यकर्ता को या अपने फॉलोवर को या जो उसका अपना काम करने का फील्ड है वो उसको बांध देता है और उसमें कहीं भी आने जाने की परमिशन नहीं देता। उससे हुआ क्या कि संगठन इसलिए बनाया था ताकि हमारा फायदा हो, क्योंकि समाज के दुख दर्द दूर हों और वो आराम में रहें। इतने सारे संगठन बन गए कि समाज में फायदा तो दूर और बल्कि संगठन समाज के लिए नुकसानदायक हो गए, हमारा पैसा भी जा रहा है, हम वहाँ मीटिंगों में जा रहे हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर पे जब रोहित गोमिला का केस हुआ था तो वहाँ 7 लोग 7 संस्थाएं एक दिन में वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही थी। 7ों अलग अलग करेंगी तो सामने वाले को तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। खैरलांजी जब हुआ तो खैरलांजी सिर्फ सेंट्रल दिल्ली तक, सेंट्रल इंडिया तक रह गया, वो यहाँ तक आया नहीं। अभी जो आपने देखा मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ, वहाँ लोग अलग अलग जा रहे हैं, जो हादसे में अलग अलग लोग जाते हैं, तो इससे मैसेज ये जाता है कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनके कोई आक्रोश की कोई बात ऐसी होने वाली है, तो नुकसान होने लगा। इसी बीच में सारी चीज़ें हमारी चली गई, जो हमें बहुत कठिन परिश्रम से बाबा साहब ने ला के दी थी वो सारी एक 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 करके हमारी आंखों के सामने चली गई, और जिन संगठनों से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ रोकेंगे कुछ करेंगे वो नाकाम सिद्ध हुए। तो हमने सबसे पहले यही कहा कि भाई आप सब लोग जो हमारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं, आप ये एनालिसिस करिए कि हमारा फायदा नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो हमने सब समाज के लोगों ने, हम सारे ही आम समाज के लोग हैं, हमारा कोई संगठन नहीं, हम बिल्कुल कॉमन मैन हैं, हमने ये बात तय की कि भाई इनको कोई तो कहेगा, तो हम समाज हैं इसलिए हमने ये पहल की कि हम समाज हैं और आप हमारे हित का काम कर रहे हो, ये अहित में हो रहा है, इसलिए आप अपने काम को चेक करो, आपका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है। तो यहाँ हमने सभी संगठनों को ऑल इंडिया से बुलाया, उनको ये बात कही कि भाई आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना लीजिए, हम एक जगह पैसा देना चाहते हैं, हम एक जगह खर्चा चाहते हैं, आप हमें एक कॉल दीजिए, हम अलग अलग कॉल पर नहीं आएंगे, आप हमें एक जगह बुलाइए और एक कार्यक्रम दीजिए जो हमारे वेलफेयर का है, और एक ही तरह बात कीजिए ताकि हमारा वेलफेयर हो, अगर हमारा वेलफेयर नहीं होता तो फिर हमारे किस काम के हुआ, बेकार हो। सर आपसे एक सवाल है, आप बड़े अनुभवी हैं और काफ़ी मंचों पर आपको देखा गया, क्या लगता है आपका अनुभव कहता है कि ये जितने भी संगठन हैं क्या एक साथ आ पाएंगे? देखिए जी, सारे के सारे संगठन जिनसे मेरी बात हुई है सभी चाहते हैं, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता कि हमको एक नहीं होना चाहिए। सवाल वहीं अटक जाता है कि हु विल बी द लीडर, तो उसका एक इलाज होना खुद ही सोचना पड़ेगा, हमारे पास तो है और हम आने वाले समय में बताएंगे, हम अपने समाज को ही बताएंगे, उन लोगों को अगर पूछेंगे तो बताएंगे, नहीं पूछेंगे तब भी बताएंगे, लेकिन चूंकि वो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं,
पायनियर हैं, लीडर्स हैं, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, प्रबुद्ध हैं, उनको लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये सॉल्यूशन है। अगर वो प्रेजेंट कंडीशन में ये देख के नहीं बता सकते जो दिख रहा है सबको, आपको सबको, क्या होने से क्या होता है, अगर एक अच्छा संगठन है जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो संगठन कितना अच्छा काम कर रहा है, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, क्या हम अम्बेडकराइट लोग ऐसा नहीं कर सकते? तो ये हमारे लीडर्स का सोचना है कि उनको भी उसी पैटर्न पे, एक तरफ जिसको आप गाली दे रहे हैं वो काम में रात और दिन फल फूल रहा है, और एक तरफ जो सुपर है जिसका कोई सानी नहीं है पूरे संसार में, वो रात और दिन गिरता जा रहा है। तो सोचना तो उसको चाहिए, हमारे लीडर है। जब वो नहीं सोच रहे, नहीं समझ में आ रही, तो हमको इकट्ठा करके लोगों को बताना पड़ रहा है कि भाई अब हम लोगों का इंतहा हो गई, अब हम ज़्यादा देर वो नहीं कर सकते इंतजार, अब हमको इनको बताना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो साथी हैं कॉमन, जो हमारे वी द पीपल नाम लिया हमने, हम भारत के लोग, अब हम अपने ही लोगों से सवाल कर रहे हैं, जो हमारे वी द पीपल नाम लिया हमने, हम भारत के लोग, अब हम अपने ही लोगों से सवाल कर रहे हैं, इतने साल आपने निकाल दिए नेतागिरी कर करके, इसका कुछ सलूशन ढूंढो। नेतागिरी से अपना अपना मतलब तो सॉल्व हो रहा है, हम सब देख रहे हैं कि समाज का मतलब बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा, समाज अधोगति में जा रहा है सिर्फ उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। हमको उनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं देखना, हमको समाज का, देश का इंटरेस्ट देखना है, इसके लिए हमको यहाँ आना पड़ा, इसके लिए हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। सर, कुछ मुख्य संगठन है यहाँ पर दिल्ली में, अभी वो हैं इस टाइम, लेकिन उनके प्रमुख यहाँ से नदारद रहे इस मीटिंग में, क्या वजह रही? नहीं, जानबूझ के, चूँकि हमने जो बुलाया आज, वो ऐसे संगठन हैं जो वाकई देश में जाने जाते हैं, और जिनको आप प्रमुख कह रहे हैं मैं उनको प्रमुख नहीं मानता, दे आर लोकल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, जिनको आप जाने वाले देश में जानते हैं वो भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं? उनके सारे के सारे जो कंट्रोलर हैं वो आज हैं, आप तो नाम लीजिए मैं बता दूंगा। आर्या जी तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है आर्या जी? नहीं है, लेकिन उनके जो और जो लीडर हैं वो यहाँ थे, आपने देखा शायद, इनको मालूम नहीं है। बीएसपी की बात कर रहे हैं, अब बीएसपी की बात नहीं, बाम साहब की बात, डीआरआरआई की बात कर रहे हैं, उनके बहुत सारे थे, आपको पता है, उनके साइन है इस पे, उनके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष खड़े हुए हैं, उनका हेड बोल रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो मेन मैन है वो सबको बताओ, सब आए हैं, एक बहुत बड़े मैन है वो नहीं आए हैं, उनको आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा, तो वो भी आए। क्या लगता है सर, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा इन संगठनों पे? क्योंकि देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो संगठन है अपने समाज के, उनमें जो उसके अंदर कर्मचारी या जो लोग कार्यकर्ता, उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है बड़ी तादाद में। साहब, यही तो हम सोच रहे हैं, इसीलिए तो हमको आपके सामने आना पड़ा है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारी अधोगति में जा रहे हैं हम, यही तो कारण है जो आप कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, नेता तो चुने इसलिए थे कि हमने संगठन के जो लोग हैं, हमने जब ही इनको शुरू में चुना था तो इसलिए चुना था कि ये हमारे दर्द आगे तक पहुंचाएंगे, हमारे दर्द को दवा देंगे, लेकिन वो दवाई जहर हो गई है आज, और वो ऐसा है, अब हम उस दवा को, उस जहर को फिर से अमृत करने निकले कि हमें जीवन चाहिए। ऐसा ना हो, तुम तो हमारा आदमी, इतने संगठन होकर, इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व होकर भी आज भी हमारा आदमी पिस रहा है, तो उस जो शोषण है उसको दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। हम सब परेशान हैं कि हम कैसे इस शोषण से मुक्ति पाएं। हम तन से, मन से, धन से इन संगठनों के साथ सालों से हैं, आज़ादी के से लेकर अब तक, और लेकिन परिणाम वही आप रोज़ देखते हैं, घटनाएं हमारे लोगों के साथ कहीं कहीं कब हर जगह, मतलब अखबार में कोई पन्ना ऐसा नहीं होता जिसमें क्षेत्र के हिसाब से शोषण हो रहा है। तो हम उस शोषण से मुक्ति चाहते हैं कि हम तन भी देंगे, धन भी देंगे, मन भी देंगे, मतलब हम कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने में हम आगे से आगे रहते हैं, पैसा जेब से देते हैं, और इनके उद्देश्य को घर घर तक पहुंचाते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। तो तुम लोग आ जाओ, तुम्हारी कहीं कार्यप्रणाली में गड़बड़ है, उस कार्यप्रणाली को ठीक करो, और आगे संगठन को ऐसे करो कि कोई कहीं से भी परेशान हो, चाहे वो उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्व से या पश्चिम से, वो उस संगठन के एक व्यक्ति को करे, सब तक वो बात पहुंचे, उसका दुख और उसका शोषण दूर। सर, एक मेरा एक सवाल हो रहा है सर, जितने भी संगठन बनते हैं, जो उनका बायलॉज बनता है,
उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है सर, उसको कैसे आप उसको निकालेंगे, उसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि उसी में घर ही घर में सारा जो उसका जो कब्जा होता संगठन का एक ही आदमी का होता और वो एक ही आदमी उसी कुर्सी पर बैठा रहता है। ज्यादातर जितने भी संगठन देखे हैं एल आई सी का संगठन देख लीजिए आप, रेलवे का, इनके कहाँ इलेक्शन कहाँ चुनाव कुछ होता ही नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। वो लोकल एसोसिएशन का मामला, उनका अपने बायलॉज होते हैं। नहीं लेकिन है तो समाज की ना, जो जो समाज के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। बेसिकली ये आप हमारे पत्रकार हैं, आप उनसे पूछिए कि भाई आपके बायलॉज और लॉज ठीक नहीं है, आप भी तो काम करेंगे। बेसिकली क्या है, हम तो पूरे देश से पूछ रहे हैं, हम तो पूरे देश से परेशान हैं। हमने जो भी इन लोगों को बुलाया था, जितने संगठनों को बुलाया था, हमने भी वही प्रश्न किए हैं जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं, तो और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमने सब लोगों को यहाँ इनवाइट किया और आपको यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया है कि अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन लोगों से प्रश्न पर प्रश्न पूछें। सर एक सवाल, आपकी स्थिति ये कब तक रहेगी, कब तक ये बिखराव रहेगा, कब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे, समाज का ये कब तक नुकसान करेंगे, या जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं वो उस उद्देश्य में क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण आप उनसे पूछिए ना, लोगों के पास जाइए कि जब कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हमने कहा कि हम सबको कहते हैं कि एक मंच पर आ जाओ, हमने व्यवस्था की, तो आप लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि इसका मतलब वो अपनी कुर्सी चाहते हैं। नहीं, वो हमें जवाब नहीं देते। एक्चुअली पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी मीटिंगें लगातार होती रही हैं, अभी हाल में ऋषिकेश के अंदर भी एक ऐसी मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि हम एक बड़े स्तर पे एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करेंगे, लेकिन अभी आपकी ही यहाँ पे मीटिंग में आए कुछ साथी थे जो मुझे वहाँ ऋषिकेश में मिले थे, अभी मैंने उनसे बात करी कि आपकी दोबारा मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई मीटिंग ही नहीं, क्या सिर्फ एक दिन की मीटिंग से राष्ट्रीय संगठन तैयार हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें उसमें जितने आसमान का अंतर है, ये भारत की पहली ऐसी मीटिंग है जो समाज ने कही है, समाज ने की है और समाज ने जवाब मांगा है संगठनों से। हम संगठन बनके अगर संगठन से जवाब मांगते हैं तो वो ये कहते हैं तुम भी संगठन हम भी संगठन, हमें क्या अंतर, तुम छोटे बड़े फ्री आ जाता है। समाज में अगर संगठन बनके आप जवाब मांगोगे, आप आज सारे के सारे समझ के गए हैं, खूब सुन के गए आज, हम समाज में नुकसान हमारा हो रहा है, तुमने हमारे वेलफेयर की गारंटी दी और हमें परेशानी हो रही है, तुम हमारे किस काम के भाई, तो हम किसी भी हालत में संगठन नहीं है। मतलब आज आप जवाब मांग रहे हैं उन लोगों से, कंफ्यूजन ये है आप लोगों को भी, अभी तक यहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ कोई संगठन नहीं बनाने के लिए आए हैं, यहाँ जो संगठन चल रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर राजनीति का जो भी है उससे सवाल किया जा रहा है, उनसे प्रश्न किया जा रहा है कि आज तक आपने क्या किया है और क्यों नहीं सफल हो रहे, उसको अल्टीमेटम दे रहा है कि तुम सुधर जाओ, आगे का रास्ता अपना सही अपना लो, 2020 तक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अगर नहीं सुधरो तो तुमको हम रास्ता दिखा देंगे। इसी बात को तो हम कह रहे हैं कि अगर 2014 अप्रैल 2020 में अगर नए संगठन की प्लानिंग हो रही है, अगर वो नहीं सुधरते तो हम सुधारेंगे, तो वही हो गई, हमने नहीं करनी, हमने नहीं करनी, नए संगठन की प्लानिंग करनी है तो इन्हीं संगठनों को प्लानिंग करनी है कि भाई ये इसको किस तरह से संगठित होते हैं। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, 14 अप्रैल 2020 को बहुत लोग आने वाले हैं, क्योंकि अगला जो कार्यक्रम है, एक्शन है, वो ये बताने के लिए है, मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, नेट के थ्रू, हम जहाँ जहाँ जाएंगे माउथ स्पीकिंग के थ्रू चर्चा में, कि भाई आप अपने संगठन में कहो कि आप हमें बार बार ये पढ़ा रहे हो पिछले 70 साल से कि संगठन में शक्ति है, अगर संगठन में शक्ति है तो तुम क्यों नहीं संगठित होते, तुम क्यों नहीं शक्ति इकट्ठी करते, तुम सारे मिलके संगठित नहीं होते और हमसे कहते हो, तो ये डबल बात नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम वहाँ एक परिपत्र जारी करेंगे, एक सर्कुलर जारी करेंगे, अगर इन केस वो लोग एक सेंट्रलाइज सिस्टम को नहीं बना पाए या हमारे लिए वेलफेयर का कार्यक्रम नहीं दे पाए या वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाए या हमारे पैसे का वो सही उपयोग नहीं कर पाए या हमें जो वो बुलाते हैं उसका वो सही उपयोग नहीं कर पाए, वहाँ जो हम लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि अब इनको क्या निर्देश दिए जाएँ, अब इनको क्या आदेश दिए जाएं और अपने जितने भी हमारे जैसे आम आदमी हैं उनको क्या कहा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात हुई, नागपुर में एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, 45 मिनट उनसे बात हुई और उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए, हमने सबका सवाल दिया क्योंकि हम समाज हैं, लास्ट में हमने ये कहा कि हम समाज हैं, आप एक क्षण के लिए ये सोच लो कि अगर हमने आपको पैसा देना बंद कर दिया और हमने आपकी मीटिंग में जाना बंद कर दिया और हमने आपके प्रचार को बंद कर दिया,
तो आप अगर फिर भी संगठन चलाते हो तो ये पता चल जाएगा कि आपको पैसा कहीं और से आता है, आपके पीछे कोई और आदमी है, या आप खत्म हो जाओगे। बस इतना सुनते ही वो बोले कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मगर मेरा पूरा सपोर्ट है जो आप काम कर रहे हैं। 45 मिनट बात करने के बाद में वो उनसे कुछ बंदा इस बात को मान गया कि समाज बड़ी शक्ति है, हम किसी भी हालत में किसी भी सूरत में कोई संगठन नहीं बनाएंगे, हम लगातार हम संगठनों की जो रसद है, जो उनकी सप्लाई चेन है, उसको तो रोक सकते हैं, हम उनके यहाँ ज़्यादा रोक सकते हैं, मगर हम संगठन नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर हम संगठन बनाएंगे तो वो ये यही चाहते हैं कि हम एक संगठन बनाएं, और फिर वो ये कहें कि देखो तुम्हारा मकसद ये था कि तुम भी संगठन बनाओ और तुमने ये सारी कवायद संगठन बनने के लिए की है। आज तक भारत में जितनी भी मीटिंग हुई है वो ऐसी मीटिंगें करता है, और जो मीटिंग करता है वो ये कहता है कि अब मैं तुम्हारा नेता हूँ, तुम मेरी छतरी की छाया के नीचे आ जाओ, बस वही कहानी खत्म है नेता बनने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है। हम किसी भी हालत में यहाँ जितने भी लोग हैं ये बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, और इसके अलावा लगभग 1000-1500 लोगों से बात की हुई है, 350 लोग इनके पास में साहब काशीराम जी के राइट हैंड हैं, लेफ्ट हैंड हैं, बीच वाले हैंड हैं, यहाँ बहुत पुराने लगभग 250 के करीब लोग हैं जो बूढ़े बूढ़े इस तरह के हैं, वो सब परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि उनको रात को नींद नहीं आ रही है। तब जाके ये मीटिंग की थी बहुत मजबूरी में कि अब हमको सामने आना पड़ेगा इनको ये कहने के लिए कि आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए आप अपने जहन से ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि हम किसी भी हालत में कोई संगठन नहीं बनाएंगे, मगर हम लगातार ये कहते रहेंगे, और हमारे पास रास्ते हैं, समाज के पास रास्ते हैं, समाज उनको ठीक कर देगा, ये हमें गारंटी है, और आप इसमें पूरा सहयोग और मदद करेंगे। क्योंकि आप जो सवाल पूछने वाले हैं उनसे उनके पास जवाब नहीं है। आप उनसे पूछिए कि आपको पब्लिक पैसा देती है तो आप उस पैसे का क्या करते, कोई हिसाब नहीं देता, कभी भी कोई हिसाब नहीं देता। आप उनसे पूछिए कि जो लोग सपोर्ट में आते हैं, आप कहीं भी सपोर्ट को बेच आते हैं, इसका क्या मतलब है, आपको उसने सपोर्ट दिया था क्या? आपके सवाल इतने खतरनाक होने वाले हैं, हमारे सवाल इतने खतरनाक होने वाले हैं कि उनको या तो छोड़ के भागेंगे वो, और या वो ठीक ठीक होते हैं।